हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन पवनवाघ एकेडमी। अब आज अगेन हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसके पहले के दो लेक्चर्स में हमने क्या किया, सबसे पहले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, और उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। बट उसी के साथ हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल क्या होता है। वहाँ पे हमने क्या किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्पेशलिटी, वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स के साथ ही उनका फ्यूजन भी होना चाहिए। और फ्यूजन होने के बाद हमने ये देखा था कि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, वो है फ्लावर्स। और उन फ्लावर्स पे क्या होता है, अगेन हमने देखा था कुछ पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या फिर हम जिसे बोलते हैं मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, वो दोनों भी कहाँ प्रेजेंट थे, फ्लावर्स पे प्रेजेंट थे। बट उसी के साथ हमने क्या किया था, फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि एंड्रोशियम क्या है और गाइनोशियम क्या है, ओके। और उसी के साथ फ्लावर के पार्ट्स में हमने स्टार्ट किया था परफेक्ट फ्लावर के बारे में, हम पता कर रहे थे कि परफेक्ट फ्लावर क्या होता है। तब हमने देखा था परफेक्ट फ्लावर मतलब क्या होता है कि जिसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स है उससे हम बोलेंगे परफेक्ट फ्लावर, ओके। तो अगेन अब देखते हैं कुछ जो बच्चे हैं जो फ्लावर्स में होते हैं, क्योंकि हम फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ रहे थे पिछले बार, और वो फ्लावर्स के पार्ट्स जो है वो अगर हमें प्रॉपरली पता हो तो हम ये वाला जो लेसन है उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने जैसे कि पिछले बार देखा था कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर, अब डायग्राम्स में देखिए ये वाला है कौन सा फ्लावर है, ये वाला है कंप्लीट फ्लावर स्ट्रक्चर। अब इसे हम कंप्लीट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला है स्टैमेन। स्टैमेन मतलब जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये और ये, मतलब ये वाले हैं मेल पार्ट, ओके। और पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल सब प्रेजेंट है। पिस्टिल मतलब क्या है, फीमेल पार्ट। अब एक ही फ्लावर पे मेल मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। अब देखिए इम्परफेक्ट फ्लावर कौन सा होता है, जिसके ऊपर, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखेगा, क्या आपको एंथर और फिलामेंट नजर आएंगे यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे देखिए एंथर और फिलामेंट है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल्स और ओवरी, मतलब यहाँ पे बस कौन से पार्ट है, फीमेल पार्ट है इस फ्लावर पे। यहाँ पे या तो इम्परफेक्ट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब कौन सा होता है, जिसके ऊपर या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है। अब यहाँ पे या फिर या तो उससे हम ऐसे बोल सकते हैं, मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर हम क्यों बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन इट, उसके ऊपर कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम उसे क्या बुलाते हैं कि वो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है। अब इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर, क्योंकि इसके ऊपर सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब क्या, इसके ऊपर पिस्टिल प्रेजेंट है। और हमने पिछले बार ये देखा पिस्टिल के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल आते हैं। ये सारे पार्ट्स कौन से हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है और वो इस एक फ्लावर पे प्रेजेंट है। बल्कि यहाँ पे और क्या है, इसी के साथ यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे जैसे कि स्टैमेन जो कि बना है एंथर और फिलामेंट से, वो यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए हम इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट और इनकम्प्लीट फ्लावर, ओके। तो ये हो गया फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर इम्परफेक्ट फ्लावर के बारे में, या इनकम्प्लीट और कम्प्लीट फ्लावर के बारे में। अब देखते हैं अगेन कुछ स्ट्रक्चर्स बचे थे जो हमें कंप्लीट करने हैं। अब देखिए सेपल्स क्या होते हैं, ओके। पिछले बार हमने पेटल्स देखे थे कि जो कलरफुल होते हैं और उनमें कुछ सेंट भी होता है जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब देखिए सेपल्स, सेपल्स कैसे होते हैं, सेपल्स जो है वो ग्रीनिश कलर के होते हैं जो कि बेस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के। अब देखिए वो कैसे होते हैं, उनका
कलर कॉमनली, मतलब ज़्यादातर आपको उनका कलर कौन सा दिखेगा, ग्रीन ही दिखेगा, और उसका स्ट्रक्चर भी आपको कैसा दिखेगा, लीफ की तरह दिखेगा। ओके, अब फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसे, बर्ड, प्रायर टू ओपनिंग। देखिए आपने किसी फूल की कली को देखा होगा, वो कली जो है वो ब्लूम होने से पहले या ओपन होने से पहले उसके ऊपर क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर। समझो ये फ्लावर, ओके हम ग्रीन कलर ही लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे स्टेम भी हमेशा ग्रीन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ओके और फिर उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, फ्लावर नजर आएगा, ओके देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको नजर आएगा फ्लावर के ऊपर, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या करके बुलाते हैं, इसे हम बोलते हैं सेपल। इसे क्या बोलते हैं हम, सेपल, और वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है जो कि कवर करता है अंदर वाली बर्ड को। ये अंदर वाली क्या है, इसके अंदर, इसके अंदर जो है ये क्या है, बर्ड है, ओपनिंग बर्ड है, और वो बर्ड का मतलब आगे जाके क्या बनने वाले है, यहाँ पे अंदर सारे क्या है, पेटल्स है, और उन पेटल्स को जो अभी तक क्या है, जो अभी खिला नहीं है वो फ्लावर, तो वो खिलने से पहले क्या होता है, उसे हम बर्ड बोलेंगे, और उसको कवर कौन करता है, सेपल्स का पार्ट जो कि ग्रीन कलर का है। इसलिए हमने क्या देखा, एक तो है वो ग्रीन कलर का, उसका स्ट्रक्चर लीफ के जैसा है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है बर्ड को ओपन होने से पहले। अब देखिए बर्ड के साथ साथ वो और किसको प्रोटेक्ट करने वाला है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। बट अभी तक ये वाला जो फ्लावर है, ये बर्ड है, इसे हम फ्लावर बोलेंगे नहीं क्योंकि ये इमैच्योर है, उसके अंदर अब डेवलप होने वाले हैं सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब देखिए दूसरा कौन सा है, स्टैमेन। अब स्टैमेन जो था ये क्या क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। देखिए यहाँ पे दिखेगा हमें स्टैमेन, और स्टैमेन के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एंथर और फिलामेंट। ओके यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, दो है, एक एंथर है और एक फिलामेंट है, जिसे कि हम स्टॉक भी बुला सकते हैं, स्टॉक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इस एंथर को अगेन अगर हम कट करेंगे, तो कट करने के बाद हमें ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, उस एंथर के अंदर हमें क्या दिखेगा, पोलन ग्रेन्स दिखेंगे, या फिर इसे हम पोलन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो अंदर क्या दिखेगा, पोलन ग्रेन्स दिखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है किसके अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स। पिछले बार हमने क्या देखा था, एंथर जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और जो ओव्यूल है उससे क्या बनते हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं। ओव्यूल जो है वो फीमेल पार्ट था, और एंथर जो है वो मेल पार्ट था। ये वाले यहाँ पे आपको इस डायग्राम के बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये कैसा है, मेल पार्ट तो है, और उसके अंदर क्या, दो कौन से दो पार्ट से वो बना है, ए मतलब फिलामेंट और बी मतलब, सॉरी ए मतलब एंथर और बी मतलब फिलामेंट, दो पार्ट से बना है। देखिए यहाँ पे एक एंथर है जो अपर वाला पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, और उसके नीचे क्या दिखेगा आपको, फिलामेंट दिखेगा, जिसे कि हम स्टॉक भी बोल सकते हैं। ये वाला फिलामेंट है, अब उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन है इस एंथर को एंकर करना, उसे सपोर्ट करना। अब देखते हैं स्टिग्मा। अब जो स्टिग्मा है, अगेन हमने इसका भी देखा था पिछले लेक्चर में, वो कैसा है, उसका होता है स्टिकी सरफेस, जहां पे पोलन्स आके लैंड होते हैं, गिर जाते हैं उसके ऊपर, और वो वहां पे जर्मिनेट होते हैं। ओके अब देखिए अगेन और एक बात है, अब देखिए ये वाली जो टर्म्स है ये मेन है यहाँ पे। अब पेरियंथ क्या है, पेटिलॉइड क्या है, और सेपलॉइड पेरियंथ क्या है, ये वाली जो तीनों टर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पेरियंथ क्या है, कुछ फ्लावर्स आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे कैलिक्स और करोला, मतलब पेटल्स और सेपल्स दोनों भी कैसे है, आर अनडिफरेंशिएटेड एंड कैनॉट बी डिस्टिंग्विश,
मतलब दोनों भी कैसे है हम बोल ही नहीं सकते कि ये वाला कैलिक्स है और ये वाला करोला है, या फिर हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते, अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरियंथ। उसे हम, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वहां पे उसे बोलेंगे पेरियंथ। मतलब वहां जहां पे पेटल्स और सेपल्स दोनों भी सेम है या दोनों भी फ्यूज्ड है, ओके, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरियंथ। आगे के जैसे हमारे लेक्चर्स होंगे मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। आगे देखिए, अब देखिए पेरियंथ के बारे में तो आपको पता चल गया कि जहां पे कैलिक्स और करोला जो है वो फ्यूज्ड है या फिर दोनों एक जैसे हैं जिन्हें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखिए, वो जो पेरियंथ है अगर वो ग्रीन नहीं है, इट इज नॉन ग्रीन, उसे क्या बोलते हैं, पेटेलॉइड। वो जो पेरियंथ है वो नॉन ग्रीन है, अगर वो कलरफुल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेटेलॉइड बोलते हैं। कुछ फ्लावर्स में आपको ऐसी भी कंडीशन दिखेगी जहां पे सेपल आपको दिखेगा ही नहीं, या फिर यहाँ पे हमने क्या बोला था कि पेटल्स और सेपल्स दोनों फ्यूज हो गए हैं बट वो ग्रीन कलर के ही है, बट यहाँ पे जब ये पेरियंथ है इसका कलर ग्रीन नहीं होता, कलरफुल कुछ अलग कलर होगा, ग्रीन छोड़ के दूसरे कलर्स होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेटेलॉइड। मतलब वो कलर की वजह से हम इसे अभी पेटेलॉइड बोलेंगे, नॉट बाय स्ट्रक्चर। अब देखिए ये क्लियर हो गया, पेरियंथ हो गया क्लियर, पेटेलॉइड हो गया। अब आगे का देखिए, सेपेलॉइड पेरियंथ, सेपेलॉइड यहाँ पे था पेटेलॉइड, अब यहाँ पे है सेपेलॉइड। जब पेरियंथ का कलर ग्रीन हो, ओके, सेपल के जैसा ग्रीन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेपेलॉइड पेरियंथ। अगर अब देखिए पेरियंथ का कलर अगर ग्रीन हुआ तो सेपेलॉइड पेरियंथ, और पेरियंथ का कलर ग्रीन छोड़ के दूसरा कुछ भी हुआ तो पेटेलॉइड। हो गया क्लियर, पेटेलॉइड पेरियंथ क्या है या फिर सेपेलॉइड पेरियंथ क्या है या फिर पेरियंथ क्या है। हो गई ये सारी बातें क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पे, क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन भी होगा और उनका फ्यूजन भी होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन भी होगा। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहां पे दो मेजर इवेंट्स होते हैं। कौन से इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मियोसिस होता हुआ नजर आएगा, और मियोसिस से क्या होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसे कि हमने एनिमल्स में देखा था। देखिए गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा था जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस पढ़ा था, तो यहाँ पे वैसे ही क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और वो गैमेट्स कौन से है, मेल गैमेट्स है एंथर और फीमेल गैमेट्स है ओव्यूल। ओके, अब यहाँ पे ये एंथर थे, उनके अंदर क्या था, पोलन थे, पोलन ग्रेन्स थे, और ओव्यूल के अंदर थी, ओव्यूल कहाँ पे थी, ओवरी के अंदर थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, एंथर के अंदर पोलन। ओके, ये सारे क्या थे, ये थे गैमेट्स, कौन से थे, ये वाला था मेल गैमेट, ये वाला था फीमेल गैमेट। अब देखते हैं मियोसिस से सबसे पहली स्टेज पे क्या होगा, सबसे पहला इवेंट है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स के प्रोडक्शन के बाद दूसरा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। पहले होगा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट और दूसरा होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट। देखिए हमने एनिमल में भी ऐसे ही पढ़ा था, हमने एनिमल में क्या किया था, एनिमल रिप्रोडक्शन में हमने पहले क्या देखा था, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टडी किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें भी स्पर्मियोजेनेसिस था, और बाद में हमने ओजेनेसिस भी पढ़ा था। वैसे ही हमें यहाँ पे पहला इवेंट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट है एंथर, फीमेल गैमेट है ओव्यूल। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो गैमेट्स का फ्यूजन होगा। हम पहले से, जब से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, हमने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, गैमेट्स, और बाद में वो गैमेट्स का फ्यूजन। अब देखिए सेकंड इवेंट क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन,
इस फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब हमने देखा था गैमेट्स कैसे थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन कंडीशन, मतलब ये कैसे है, हैप्लॉइड है, यहाँ पे एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का। अब यहाँ पे जाके जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद ये कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉइड। वेट अ मिनट, ये कैसे हो जाएंगे, 2n कंडीशन में आ जाएंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे हम इन्हें, कैसे, डिप्लॉइड। यहाँ पे था n कंडीशन में, यहाँ पे देखिए ये वाला है n कंडीशन में, और यहाँ पे ये है 2n कंडीशन में। और बाद में जैसे कि हमने एनिमल्स में देखा था, नॉर्मली आपको अभी ये समझने में थोड़ा सा इजी जाएगा क्योंकि हमने एनिमल्स का पढ़ा है। यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जिसके अंदर दो सेट है, किसके, क्रोमोसोम्स के, और बाद में उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर वो एम्ब्रियो तक जाएगी। एम्ब्रियो तक डेवलपमेंट होने के बाद न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि 2n कंडीशन में है, और स्पोरोफाइट हम जिसे बोलेंगे। ओके, मतलब क्या, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेजर इवेंट्स होते हैं, उनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, या फिर वो स्टार्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए गैमेट्स चाहिए और कंप्लीट होने के लिए उसका फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होना चाहिए, और बाद में उसकी आगे की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, आगे उसका एम्ब्रियो भी बनना चाहिए, और एम्ब्रियो के बाद वो न्यू प्लांट बनेगा। तो ये सारी चीजें हो गई इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे के इवेंट्स देखेंगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे हमने देखा मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद एट द टाइम ऑफ मियोसिस, मियोसिस हमेशा कहाँ होता है, जर्म सेल्स में होगा। ओके, यहाँ किस में होगा, ये सेक्स सेल्स में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ, देखिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, बट वो माइटोसिस से नहीं होगा। माइटोसिस जो है वो कौन से इसमें होते हैं, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, और गैमेटिक सेल्स या जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स जिसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। ये वाली बात भी आप पिट पैक करके रखिए, माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस हमेशा आपको कहाँ दिखेगा, जर्म सेल्स में, जो गैमेट फॉर्मेशन में यूजफुल होगा। और माइटोसिस का अगर बोलेंगे तो वो सोमैटिक सेल्स में होगा, जहाँ की अगर कुछ वुंड्स हो जाए, हमें कुछ एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लग जाएगा, तो वो वाले जो जख्म है उन्हें क्या करने के लिए, उनका रिपेयर करने के लिए, उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है सेल्स का, तो उसे बोलते हैं माइटोसिस। और मियोसिस होगा जर्म सेल्स में, जो कि हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगेन वही बात रिपीट होगी, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसे कि हम एंथर बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिसे कि हम ओव्यूल बोलेंगे। देखिए अब ये रिपीट रिपीट हो रहा है, आपको बोर नहीं होगा इससे, बट ये जितने बार रिपीट होगा आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और एक बार ये सारा क्लियर हो जाएगा तो आगे का लेसन आपको समझने में एकदम ईजी जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये वाला था फर्स्ट इवेंट और ये वाला था सेकेंड इवेंट। यहाँ पे क्या था, फ्यूजन ऑफ गैमेट था, जिसे हमने फर्टिलाइजेशन कहा, और आगे हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो डिप्लॉइड जायगोट बना, जो कि 2n कंडीशन में था, बाद में उसका एम्ब्रियो बना, फिर न्यू प्लांट फॉर्म हुआ जो कि 2n कंडीशन में था, जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो कैसा है, अब डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो कैसा है, देखिए वो कौन से कंडीशन में है, ये वाला हमेशा याद रखिए, डिप्लॉइड कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है, और वो कैसा है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, ये वाली जो है ये डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। और यहाँ पे देखिए अब अगेन मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हुए, उसके बाद गैमेट्स फॉर्म हुए, ओके, और गैमेट्स के बाद, और ये गैमेट्स जो है ये क्या हुए, फ्लावर के अंदर थे, ये वाले गैमेट्स कहाँ थे, विद इन द फ्लावर, और ये वाला था एक रिड्यूस स्ट्रक्चर, और बाद में उससे फॉर्म हो गए गैमेटोफाइट्स। देखिए अब ये वाले एक के बाद एक इवेंट्स हैं,
अब यहाँ पे तो हमने देखा इवेंट्स एक के बाद एक क्या होने वाला है, बट यहाँ पे अब हम डीपर लेवल पे जाके पढ़ेंगे क्या कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स एक्चुअली कैसा था, वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी, वो डोमिनेंट मतलब अब वो अगेन रिवर्ट नहीं होने वाला है, अगेन वो रिवर्ट होके फिर से मेल गैमेट या फीमेल गैमेट में नहीं जाएगा, तो ये कैसा होगा, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है अब, और बाद में अगेन ये वाला जो है ये कैसे बना है, मियोसिस से बना है, मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर मिले, हैप्लॉयड स्पोर से क्या बना, गैमेट्स बने, और गैमेट से वो गैमेट जो है वो कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट विद इन द फ्लावर, और बाद में वो रिड्यूस स्ट्रक्चर था, और बाद में जैसे ही हमने क्या बोला था बर्ड की स्ट्रक्चर में था, मतलब वो रिड्यूस था, इमैच्योर था, और बाद में जैसे ही फ्लावर मैच्योर हो गया, फ्लावर मैच्योर होने का मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पे जो भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स थे वो मैच्योर हो चुके हैं, उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, और बाद में वो गैमेटोफाइट हम उनको बोलने लगे, हो गई ये बात क्लियर। अब देखिए, अब देखते हैं, अब देखिए हमने क्या किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या हो गया, मियोसिस से गैमेट्स तैयार हो गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और बाद में उसका फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसका एम्ब्रियो तैयार हो गया, और एम्ब्रियो के बाद उसका स्पोरोफाइट हो गया। अब देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीपली, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक्चुअल एंथर मतलब स्टैमेन, ये किसके अंदर आता है, स्टैमेन के अंदर आता है, और स्टैमेन में क्या क्या आएंगे, एंथर और फिलामेंट आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एंथर है वो कैसे होगा, डायथिकस स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डायथिकस स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या है, वहां पे डाय मतलब टू और थिकस मतलब लोब्स, मतलब दो लोब्स होते हैं उसे। देखिए अगेन यहाँ पे है दो लोब्स, वन टू, मतलब देखिए ये वाला एक है और उसके पास में ही एक है, ऐसे दो लोब्स है उसे, और उसको क्या है सपोर्ट किया है किसने, फिलामेंट ने, ये है फिलामेंट और ये है एक लोब, वन लोब एंड टू लोब, ये दो उसके क्या है लोब्स है एंथर के, कैसे है, डायथिकस मतलब हैविंग टू लोब्स। अब देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब ये कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब लोब्स तो दो है, देखिए ये दो लोब्स है, ये एक और ये एक, वन और टू, बट अगेन अगर इसे हम ऐसा कर दे, ओके ये ऐसा था ना खड़ा, और अगर हम उसे ऐसा कर दे तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब उसके पास फोर पोलन सैक्स है, देखिए ये वाला एक, ये वाला रुकिए, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक, ये कितने हो गए, फोर, वन टू थ्री फोर, मतलब यहाँ पे क्या है, फोर पोलन सैक्स है। इसे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, कौन सा देखिए, एंथर के दो लोब्स है, इसलिए हमने इसे कैसे बोला, डायथिकस बोला, दो लोब्स है, और उसी के साथ वही दो जो लोब्स है उसके अंदर अगेन हमने क्या देखा, उसके अंदर फोर पोलन सैक्स है, दो लोब्स के अंदर, मतलब देखिए जैसे कि हमने देखा था एम्ब्रियो का, या फिर हम बोल सकते हैं हमने क्या देखा था, क्लीवेज का प्रोसेस देखा था, थोड़ा सा क्लीवेज नहीं बोल सकते इसे, पर थोड़ा कुछ वैसा है, मतलब एक लोब है उसके अंदर फोर, वन के अगेन यहाँ पे डायरेक्ट आपको दो लोब्स है, टू का कितना बना, फोर बना, फोर यहाँ पे क्या है, पोलन सैक्स है। अब देखिए अगेन एक दूसरी टर्म है, ये वाली टर्म तो कंप्लीट की, अब देखिए मोनोथिकस मतलब कुछ एंथर्स ऐसे होते हैं जो कैसे है, मोनोथिकस है, और उनके पास क्या होता है, सिंगल लोब होता है, देखिए आप कहीं कहीं पे कुछ ऐसा फिलामेंट होता है और उसके ऊपर आप देखेंगे, देखिए ऐसा कुछ क्या होता है, एंथर होता है जो ऐसे लटक रहा है, ऐसे ही बोलेंगे हम उसे, क्योंकि वो बीच में
हम अगर उसे हिलाएंगे थोड़ा हिलेगा वो, ओके, तो वो क्या होता है, मोनोथिकस, हैविंग सिंगल लोब, एक ही लोब होगा। और देखिए अब एक के कितने बनेंगे, दो, यहाँ पे क्या हुआ था, दो के चार बने, अब यहाँ पे एक के दो बनेंगे, एक लोब है। अगर उसमें देखा जाए तो ये कैसा है, बायस्पोरेंजिएट, ये वाला था टेट्रास्पोरेंजिएट, ये वाला था फोर पोलन सैक्स थे, फोर पोलन सैक्स, और यहां पे टू पोलन, वेट अ मिनट, टू पोलन सैक्स, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे अब दो पोलन सैक्स है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, जब वो यंग है मतलब अभी वो जो फ्लावर है वो डेवलप हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। ये सारी बातें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो जब वो यंग है इसे हम होमोजीनियस बोलेंगे, और बाद में आगे वाली टर्म देखिए, पैरेन्काइमेटस, उसे हम अगेन क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमेटस विथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के साथ ही उसे हम पैरेन्काइमेटस भी बोलेंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं हेटरोजेनेटी। अब हेटरोजेनेटी कैसे दिखेगी, हेटरो मीन्स टू डिफरेंट, हेटरोजेनेटी आपको दिखेगी कब, जब यहाँ पे आर्चियास्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके साथ ही आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, हेटरोजेनेटी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी या फिर आपको नजर आने लगेगी। अब देखिए ये हेटरोजेनेटी क्या है या आर्चियास्पोरियल सेल्स क्या है, ये आगे जाके हमें देखना ही है। अब देखिए, अब देखते हैं टीएस ऑफ एंथर, एंथर का हमें क्या देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है कैसा है, मैच्योर एंथर, देखिए यहाँ पे अभी मैच्योर एंथर क्यों कहा फिर से, क्योंकि जो फ्लावर है अब उसकी पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, मतलब ये बर्ड कंडीशन में नहीं है, अभी पूरा जो फ्लावर है वो खुल गया है, वो क्या हो गया है, इट इज ओपन टोटली, और जैसे ही वो टोटली ओपन हो जाएगा उसके साथ ही हम उसको क्या बोलना शुरू करेंगे, मैच्योर फ्लावर, और उसके साथ उसके अंदर के जो एंथर्स है वो भी कैसे होंगे, मैच्योर्ड एंथर्स होंगे उसके अंदर के, मतलब दैट एंथर्स आर नाउ वर्किंग एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे मैच्योर एंथर, उनके पास क्या है, एक एंथर वॉल है, और देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बोला था क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, उनके पास क्या है, मैच्योर एंथर हैज एंथर वॉल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके पास क्या था, मेगास्पोरेंजियम था। अब देखिए जब हम इसके लाइफ साइकिल देखेंगे उस वक्त भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। अब देखिए एंथर को हमने देखा, उसके पास एक एंथर वॉल है, और दूसरा देखिए एंथर के पास क्या चीज़ें हैं, एक है एंथर वॉल और दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब उसी के साथ अब एंथर वॉल के बारे में पढ़ते हैं, एंथर वॉल एक्चुअली क्या है, वो क्या है, वो एक आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है, और दूसरा जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हमने बोला, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है, इट हैज स्पोरोजीनियस टिश्यूज, मतलब वो कैसे है, वो टिश्यूज से बना है, वो कैसे बना है, टिश्यूज से बना है, बट वो टिश्यूज कैसे है, स्पोरोजीनियस, मतलब हो सकता है वहां पे स्पोर्स हो, ओके। अब देखिए एंथर की वॉल तो है बट वो कैसी है, इट हैज फोर लेयर्स। एंथर देखिए अगेन यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एंथर वॉल जो है वो आउटर लेयर है, बट वो जो वॉल है वो कितने लेयर से बनी है, एंथर वॉल मतलब देखिए कैसा आएगा, समझो वेट अ मिनट, समझो ये वाला है एंथर, ओके, ये वाली जो आउटर वॉल है ना,
इसे हम क्या बोलेंगे, एंथर वॉल, इसे हम बोलेंगे एंथर वॉल, ओके। बट ये वाली जो एंथर वॉल है उसकी लेयर्स कितनी है, उसकी लेयर्स है 4 लेयर्स। मतलब देखिए, अब इसे मैं आगे जाके निकालती हूँ, मतलब ये एंथर है ना, अभी इसके एक, वेट अ मिनट, दो, तीन और चार, ओके। मतलब ये चार मिलके क्या बना है, अब ये सबका मिलके बना है, ये टोटल, ये सब मिलके क्या बना है, एंथर वॉल। ये सबको मिलके हम क्या बोलते हैं, एंथर वॉल। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए, ये इजी नहीं जाएगा आपको आगे जाके, ये स्ट्रक्चर क्लियर कर लीजिए। अब देखिए ये 4 लेयर से बना है और वहाँ पे क्या है, आउटर लेयर जो है, मतलब ये वाली बाहर की, इसे हम क्या बोलेंगे, इपिडर्मिस बोलेंगे। वो कैसी है, ये आउटर लेयर है, वो कौन सी है, इपिडर्मिस, ओके। आउटर लेयर है इपिडर्मिस, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, आउटर है तो प्रोटेक्शन ही होगा। उसके बाद इपिडर्मिस के आगे वाली जो लेयर है वो कौन सी है, फाइब्रस एंडोथियम है। वो जो लेयर है वो कौन सी है, देखिए ये वाली लेयर, वेट अ मिनट, अगेन देखते हैं, देखिए ये अंदर वाली येलो वाली लेयर, वो कैसी है, फाइब्रस है, कैसी है, फाइब्रस है। अब वो फाइब्रस लेयर है उसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस एंडोथियम। और उसके बाद वाली जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है वो कौन सी है, अंदर वाली, ये जो है मिडल लेयर, थिन वॉल्ड मिडल लेयर, एंड ये कैसी है, थिन वॉल्ड है। और उसके अंदर की जो हम कैसे बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे इनर मोस्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनर मोस्ट, ये वाली, वेट अ मिनट, देखिए ये वाली है इनर मोस्ट। अब इनर मोस्ट का जो है फंक्शन वो क्या है, ये वाली है न्यूट्रिटिव लेयर, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। एंथर के अंदर क्या थे, पोलन थे, उन पोलन्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। हो गई ये बात क्लियर आपको, क्या ये वाले जो मैच्योर एंथर है उनके पास, या फिर उनका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, एंथर वॉल और माइक्रोस्पोरेंजियम से, क्या होता है एंथर, मैच्योर एंथर जो है ये वाला, अगर हम इसे बोलेंगे एक मैच्योर एंथर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, बस इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, जो फिलामेंट है या फिर स्टॉक है उसके बारे में नहीं बोल रहे हम, बस एंथर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो एंथर है वो कैसा है, अगर मैच्योर्ड हुआ तो, पूरी डेवलपमेंट अगर उसकी हो गई है, तो वो दो चीज़ों से बना है, एक है एंथर वॉल, दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसी के साथ ये वाली जो एंथर वॉल है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है। बट अगेन वो जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 4 लेयर्ड है, जहाँ के जब से यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, इपिडर्मिस की है, और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। उसके बाद इपिडर्मिस के बाद वाली जो लेयर है वो कौन सी है, फाइब्रस लेयर है। और उसके बाद वाली लेयर है जो अंदर वाली, थर्ड वाली लेयर, वो है थिन वॉल्ड लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैसी है, न्यूट्रिटिव लेयर है, जो कि अंदर क्या है, इसके अंदर पोलन है, उनको न्यूट्रिशन देगी। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में की, एंथर के बारे में की। अब देखिए अगेन, अब बात करते हैं एंथर के बारे में। हमने एंथर में हमने कौन सी दो चीजें थी देखी थी, एंथर वॉल और माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर वॉल के बारे में तो हमें पता चल गया, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब ये वाला जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या होता है, देखिए उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या है ये वाला, अभी इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कौन सी कंडीशन में है,
2N कंडीशन में है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है 2N कंडीशन में, और उनमें क्या होता हुआ नजर आएगा आपको उसके अंदर। अब देखिए मेन जगह पे आए हम लोग, क्या उसके अंदर होगा मियोसिस, क्या होगा उसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के साथ साथ किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। देखिए माइक्रोस्पोर जो था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे कि हमने किसमें देखा था, एनिमल के गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस में देखा था, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसके हमने इवेंट्स देखे थे फर्टिलाइजेशन के, तब हमने क्या देखा था कि 2N से आगे कैसे फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे 2N कंडीशन में, और आगे जाके उसके अंदर क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बाद मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, और ये वाला टेट्राड जो था अब वो कैसा था, 4N कंडीशन में था। अभी 4N तो कभी होता नहीं है, बट फिर भी 2N का टेट्राड फॉर्म हो गया, ओके 2N का टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। अब देखिए अगेन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जो थे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स थे, वो सेपरेट हो गए फ्रॉम टेट्राड, टेट्राड से। देखिए अगेन यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे 2N कंडीशन में, मतलब दो के कितने बने, दो के चार बने। अब ये जो चार है उनमें से क्या हो जाएगा, एक 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 करके वो सेपरेट हो जाएंगे, हैप्लॉइड एन माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम टेट्राड, टेट्राड से वो सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, जब ये एक वॉल डेवलप करेगा उसके अराउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज पोलन ग्रेन। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है वो प्रोसेस देखा, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का प्रोसेस देखा, क्योंकि यहाँ पे अगेन पोलन ग्रेन्स हमने देखा था पहले ही पिछले लेक्चर में, पोलन ग्रेन्स कहाँ थे, एंथर के अंदर थे, बट वो जो पोलन ग्रेन्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने यहाँ पे देखा। देखिए अब कैसे हुआ, सबसे पहले अगेन मैं रिपीट करती हूँ, माइक्रोस्पोरांजियम है उसके अंदर क्या होता है, देखिए एंथर वॉल है ना, उसका फंक्शन कुछ नहीं रहेगा, एक तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और उसके अंदर अब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है और उनके अंदर पोलन ग्रेन्स है, ओके। अब देखिए माइक्रोस्पोरांजियम है उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो 2N कंडीशन में है, और 2N कंडीशन के बाद में उनका क्या हो गया, मियोसिस हो गया, और मियोसिस होने के बाद क्या हो गया, टेट्राड कंडीशन में गए हो। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गए, फिर टेट्राड के फॉर्मेशन के बाद अगेन उस टेट्राड का क्या हो गया, यहाँ पे वो सेपरेट हो गए एक एक करके, और उसके अंदर बाद में जब ये जो माइक्रोस्पोर्स है एक एक करके हो गए, सेपरेट हो गए, फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, खुद के अराउंड ही एक वॉल डेवलप करनी स्टार्ट कर दी, और बाद में इस स्ट्रक्चर को जो कि किससे बना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना था, उसके दो के चार हुए, चार का आगे एक एक हो गया, फिर वो एक के आजू बाजू, यहाँ पे इसके आजू बाजू उसने क्या किया, एक वॉल तैयार की, और इसके अंदर बाद में क्या हुआ, इसे हमने बोला कि यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ओके फिर वहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए अब आ गई बात आर्चियास्पोरियल सेल्स के बारे में। अब देखिए आर्चियास्पोरियल सेल्स, इसके पहले भी हमने बात की थी इसके बारे में, ये वाला जो आर्चियास्पोरियल सेल है इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी, इसके इससे क्या फॉर्म होगा, आर्चियास्पोरियल सेल प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे आर्चियास्पोरियल सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल, आर्चियास्पोरियल सेल से प्राइमरी पैराइटल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और उसी के साथ क्या हो जाएगा,
ये वाला क्या फॉर्म करेगा, एंथर वॉल क्या फॉर्म करेगा, देखिए अगेन आर्चिया फ्रॉम आर्चिया पोरियल सेल्स प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है तैयार हो जाएंगे और उनसे क्या तैयार हो जाएगा, एंथर वॉल, और बाद में स्पोरोजीनियस सेल्स है वो फॉर्म हो जाएंगे, कौन से स्पोरोजीनियस सेल्स फॉर्म क्या करेंगे, वो फॉर्म होंगे और उनके फॉर्मेशन के बाद स्पोरोजीनियस टिश्यूज फॉर्म हो जाएंगे। नॉर्मली आपको पता है सेल से ही टिश्यू फॉर्म होता है, सबसे पहले स्पोरोजीनियस सेल्स फॉर्म हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पोरोजीनियस टिश्यूज फॉर्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगेन क्या होगा, आपने देखा कि क्या हुआ, पोलन्स का भी फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पे मेन बात किसकी है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ और उसी के साथ ये जो आर्चिया स्पोरियल सेल्स है उनका रोल भी हमने देखा इस रिप्रोडक्शन के दौरान। यहाँ पे इनसे प्राइमरी पैराइटल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और उन्होंने एंथर वॉल को फॉर्म किया और साथ में ही स्पोरोजीनियस सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और वो स्पोरोजीनियस सेल से स्पोरोजीनियस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ओके, जो कि आगे जाके रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में, नॉट स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अब देखिए अगेन ये वाला डायग्राम बीच में मैंने क्यों डाला, ताकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आप हिबिस्कस का फ्लावर लेके आइए, पता नहीं आपने किया कि नहीं, आई होप आपने देखा होगा हिबिस्कस का फ्लावर। देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो हिबिस्कस का फ्लावर है ये तो पूरा इंटैक्ट फ्लावर है, बट अगर हम इसको पार्ट्स में करेंगे, देखिए इंटैक्ट का पहले देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा स्टिग्मा, पिछले बार मैंने आपको बोला था स्टाइल स्टिग्मा, ये वाले जो है ओवरी और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ये सारे क्या थे, ये सारे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे, ओके, बट पिस्टिल हम जिसे बोलते थे, बट यहाँ पे अगेन ये वाले हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंथर और फिलामेंट ये दोनों भी थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और करोला और कैलिग्स ये कौन से थे, करोला और कैलिग्स ये थे कौन से थे, एक्सेसरी वॉल्स थे, एक्सेसरी पार्ट्स थे, बट और यहाँ पे लास्ट में हमने देखा पेडिसेल। अब देखिए इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखिए ये वाले हैं पेटल्स, ओके, ये वाले हैं सेपल्स, मतलब ये दोनों भी कैसे हो गए, एक्सेसरी वॉल्स हो गए या एक्सेसरी पार्ट्स हो गए। अब इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में तो पार्ट नहीं लेंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन इनका नहीं होगा, तो इनका पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है तो इनको हम अलग कर देंगे। अब रिप्रोडक्शन में जिसका पार्टिसिपेशन होगा वो है इतना ही पार्ट, जो बीच वाला पार्ट है ना वो बस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर भी दिख रहा है यहाँ पे, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे ये रहा, सबसे पहले स्टिग्मा को अलग कर लिया, ओके, उसके बाद इसके नीचे आपको स्टाइल दिखेगा और उस स्टाइल के पास ही आपको क्या दिखेंगे, एंथर्स दिखेंगे। देखिए नॉर्मली इस फ्लावर में आपको यहाँ पे एंथर्स कैसे दिखते हैं, आप हिबिस्कस का फ्लावर देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे होते हैं और उसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं येल्लो येल्लो कलर के, तो ये वाले हैं एंथर्स। और आपने अभी पढ़ा कि एंथर्स के अंदर क्या थे, पोलन्स थे, पोलन ग्रेन्स थे, और फिर यहाँ पे ये वाला क्या था, फिलामेंट था, और उसके डायरेक्टली नीचे बॉटम पे यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे थी ओवरी, और उस ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल, जिससे क्या बनेंगे, सीड्स, ओके। ये सारा पार्ट मैंने आपको क्यों दिखाया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये वाला जो हिबिस्कस सासवंदी सा फूल इसके अंदर क्या होगा या फिर कैसे आपको ये सारे पार्ट्स नजर आएंगे, ओके। तो अब हम ये सारे पार्ट्स तो हमने देख लिए, हमने आज के लेक्चर में क्या देखा कि टीएस ऑफ एंथर देखा और इस एंथर में ये कौन से पार्ट्स कैसे कैसे प्रेजेंट है वो देखा। अब आज आपका काम क्या है कि अगेन आप
इन पार्ट्स को अच्छे से देखिए वापस और इसे एक बार अगेन रिवीजन दीजिए ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एंथर हमने देखा, एंथर वॉल और किससे बना है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। एंथर वॉल हमने देखी कि पहले कैसी थी, वो आउटर लेयर देखिए और उसके बाद इनर लेयर जो थी, मतलब वो आउटर लेयर है और वो किससे बनी है, फोर लेयर्स से बनी है, वो भी हमने देखा, उसका प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन काम था। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल हमने देखा वो कैसा था 2n कंडीशन में, बाद में उसका टेट्राएड बना, फिर उसके बाद वो अगेन सिंगल सिंगल हो गया, सेपरेट हो गया, वन वन बने और उसके अराउंड उसने क्या किया, फॉर्मेशन, एक लेयर का फॉर्मेशन किया जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स थे। यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे वाले पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय।